गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मिसेस नीतू माटा मैम। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टेंस। आप मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक को सुनकर ही ये बोलेंगे कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो भी टेंस। लेकिन अगर आप वाकई में इसको ध्यान से सुनेंगे, मेरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, तो टेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरी नज़र में। क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको टेंस करवाऊंगी, उस तरीके से आप पूरी ज़िंदगी टेंसेस को नहीं भूल पाएंगे। टेंसेस को बताने से पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन देना चाहती हूँ। टेंसेस, व्हाट इज़ ए टेंस, टेंस होता क्या है, सबसे पहले टेंस के बारे में आपको समझाना चाहूँगी। टेंस क्या होता है? टेंस वो होता है जो हमें समय के बारे में बताता है, जो हमें टाइम के बारे में बताता है। वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ टाइम, टी फॉर टेंस, टी फॉर टाइम, टी फॉर टेंस। इसी से आपको याद रखना, मैंने इसे आपको उसका फर्स्ट लेटर भी टी से स्टार्ट होता है टेंस का, और टाइम का भी फर्स्ट लेटर टी से स्टार्ट होता है। तो टेंस वो होता है जो हमें समय के बारे में बताता है। एंड वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ टाइम, हमारे पास तीन तरह का समय होता है। इस वक्त प्रेजेंटली जब मैं आपको समझा रही हूँ, इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारा प्रेजेंट का टाइम है। और ये प्रेजेंट का टाइम मैं आपको इस तरीके से भी समझा सकती हूँ कि लॉकडाउन के कारण हम आपको घर पर बैठकर समझा रहे हैं और आप घर बैठकर जो है टेंसेस को समझ रहे हैं। लेकिन एक वो समय था जब मैं आपको जो है क्लासरूम में पढ़ाती थी और आप जो है मेरे सामने बैठकर पढ़ते थे, लेकिन वो समय क्या हो गया, पास्ट का हो गया। एक ऐसा समय आएगा जब लॉकडाउन का समय खत्म हो जाएगा और कोरोना वायरस जो बहुत ही ज़्यादा हमारे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जब उसका कहर खत्म हो जाएगा, तो आने वाले समय में जो है हम दोबारा से फिर से मिलेंगे उसी क्लासरूम में जहाँ पर हम मिलकर पढ़ते थे। तो वो समय हमारा क्या होगा, फ्यूचर का। नाउ स्टूडेंट्स, लिसन इट केयरफुली अबाउट टेंसेस। यस स्टूडेंट्स, टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, जो समय के बारे में बताते हैं। वी आर हैविंग थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, पास्ट टेंस, अभी बताया था ना मैंने आपको, जो पिछले समय के बारे में बताया, जो पास्ट के समय के बारे में बताया, प्रेजेंट, आज का जो समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम, उसको जो है हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फ्यूचर, जो आने वाले समय के बारे में बताए, वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। इसी क्लियर? अब तीन ही टेंस है, इसके अलावा नहीं भूलना। इन तीन टेंसेस के हमारे फोर इक्वल पार्ट्स होते हैं, और उन फोर इक्वल पार्ट्स को मैं अभी उसकी जो है उसको डिटेल में आपको समझाना चाहूंगी, उसको मैं बाद में बताऊंगी। इन तीनों टेंसेस का जो हमारा ये फोर पार्ट्स होते हैं हर एक तीनों टेंसेस के, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इंडेफिनेट। फर्स्ट पार्ट क्या है, इंडेफिनेट। सेकेंड पार्ट कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बहुत ही ध्यान से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि टेंसेस हमारा बेस होता है। टेंसेस अगर हमें आ जाते हैं तो टेंसेस के थ्रू हमें इंग्लिश बोलनी भी आ जाती है, और हम पूरी लाइफ इंग्लिश बोलना सीख भी जाते हैं, लिखना भी सीख जाते हैं, सब कुछ हमारे लिए ईजी हो जाता है व्हेन वी आर हैविंग द नॉलेज ऑफ टेंसेस। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको सीरीज बताई, इन सीरीज को कभी मत भूलना, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इंडेफिनेट के बाद परफेक्ट बोल देते हैं, परफेक्ट के बाद कॉन्टिन्यूस बोल देते हैं। इन सीरीज को आपने जो है बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो हमारा जो ये बिल्कुल इस चीज की परफेक्शन आपको हमेशा याद रखनी है कि हमारी सीरीज क्या है। इज इट क्लियर टू यू कि ये हमारा नंबर वाइज आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट इंडेफिनेट, सेकेंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट, और फोर्थ हमारा क्या आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इज इट क्लियर टू यू? यस स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक ऐसा तरीका, ऐसा फॉर्मूला बताने जा रही हूँ जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जिसकी वजह से मैं टेंसेस को इतना इजी बना देती हूँ, इतना इजी बना देती हूँ कि पूरी लाइफ हम जो है उसको भूल नहीं पाते। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट, हाउ आई विल स्टार्ट इट। यस फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जो है फोर इक्वल पार्ट्स बताए थे हमारे तीनों टेंसेस के। अब इन तीनों टेंसेस को मैं डिटेल में जो है उनके पार्ट्स टोटल कितने हैं, वी आर हैविंग 12 पार्ट्स, वी आर हैविंग 12 पार्ट्स। हमारे पास पहले तो ये 12 पार्ट्स किस तरह से बने, मैंने आपको बताया था वी आर हैविंग 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। हर एक टेंस के हमारे 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इसी कारण 3 × जब हम 3 टेंसेस इंटू 4 करेंगे, वी आर हैविंग 12 टेंसेस। 4 पार्ट्स हैं और 3 टेंसेस हैं, 3 × 4 12 टेंसेस, इसीलिए टोटल टेंसेस
टेंसेस हमारे पास कितने हैं? 12 टेंसेस। नाउ स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये स्टूडेंट्स, ये आपने जो है प्रेजेंट के पार्ट सीखे। यही जो प्रेजेंट के पीछे वाला पार्ट आपने देखा है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अभी आप देखेंगे कि तीनों के तीनों टेंसेस में सेम है। फिफ्थ टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या मैंने इसकी सीरीज चेंज की? सिक्स्थ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सेवन्थ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आवर नाइन्थ टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये स्टूडेंट्स इन टेंस, अब आपने देखा होगा कि हमारी ये थ्री इक्वल पार्ट्स जो है टेंसेस के, थ्री जो हमारे जो थ्री टेंसेस हैं उसके फोर इक्वल पार्ट्स होने की वजह से वो 12 टेंसेस हो गए, और इनके जो पिछला पार्ट है वो सेम रहा, और इसकी मैंने कहीं पर भी सीरीज को चेंज नहीं किया। इज इट क्लियर टू यू नाउ? यस स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो है टोटल 12 टेंसेस के बारे में नॉलेज दी कि वी आर हैविंग 12 टेंसेस। स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी वजह से जो है टेंसेस इतने इजी हो जाते हैं कि हम जो है कभी भी जो है उसको भूल नहीं पाते। यस स्टूडेंट्स, हर एक टेंस के नाम के अंदर जो है उसकी फॉर्मेशन छुपी होती है। वो फॉर्मेशन हमें कब याद रहेगी? जब हमें उसके फॉर्मूलाज याद रहेंगे, जो मेरे अपने ही बनाए फॉर्मूलाज हैं जिसकी वजह से जो है हम कभी भी उसको भूल नहीं पाएंगे। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे याद रखना। बाद में आपको डिटेल में समझाऊंगी। हमारे पास तीन इंडेफिनिट है और तीनों इंडेफिनिट के जो है हर एक तीनों इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला आपने लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूस, अब कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला क्या है? बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ये आपको याद रखना होगा। वी आर हैविंग सिक्स कॉन्टिन्यूस, हमारे पास सिक्स कॉन्टिन्यूस है, तो जहां जहां भी कॉन्टिन्यूस आएगा आपने बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट, जहां कहीं पर भी परफेक्ट आएगा तो परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? हैज, हैव, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको याद करने के लिए आपको बहुत ही इजी तरीका समझाती हूँ। ये स्टूडेंट्स, हमारी क्लास के, हमारी पूरी की पूरी क्लास के अंदर तीन ऐसे बच्चे होते हैं जो परफेक्ट होते हैं, इसीलिए जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं। यस, हैज, हैव, हैड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ये तीनों परफेक्ट स्टूडेंट्स के साथ जो है, तीनों परफेक्ट भाइयों के साथ जो है परफेक्ट ही फॉर्म लगती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैंने थ्री लाइंस लगाई है जिससे आपको याद रहेगा कि ये जो है इसके साथ परफेक्ट ही फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट हैज और हैड के साथ हमेशा, तीनों के साथ हमेशा वर्ब की, कहीं पर भी आ जाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये स्टूडेंट्स, अब हमारा फोर्थ फॉर्मूला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमने परफेक्ट का भी फॉर्मूला सीख लिया, कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला भी सीख लिया। अब जो है हमने इकट्ठे इसको ज्वाइन करना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिससे जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला बन जाएगा। आपको याद होगा परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? परफेक्ट का फॉर्मूला हैज और हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या है? बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के फॉर्मूले को याद करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका समझाती हूँ, जो शायद ही किसी ने आपको समझाया होगा। यस स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको थोड़ी आपको हंसी भी आएगी। यस स्टूडेंट्स, ये मैंने परफेक्ट का फॉर्मूला लगाया क्योंकि अब हमने इसको ज्वाइन करना है, हैज, हैव, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, ये मेरा परफेक्ट का फॉर्मूला है। अब मेरा कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला है बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। यस स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया है, कभी भी किसी भी टेंस के अंदर जो है दो दो जो है वर्ब की फॉर्म नहीं होती, टू फॉर्म्स नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ड होते हैं, कोई भी इंसान जब भी कोई काम करता है तो वो उसकी वर्ब होती है, तो एक इंसान एक समय में एक ही काम करता है, तो इसीलिए अभी हमारे पास थर्ड फॉर्म भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट की थर्ड फॉर्म को कट कर देंगे और जो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें उसकी वर्ब नहीं कटेगी।
अब इसकी जैसे ही हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को कट किया तो ये जो परफेक्ट टेंस के जो तीनों परफेक्ट भाई थे इनको गुस्सा आया और गुस्सा आते ही ये क्या बन गए सपेरे और सपेरों के हाथ में ये जो बी थी कॉन्टिन्यूस टेंस की सपेरों के हाथ में क्या होती है बीन और ये जो बी है किसमें चेंज हो गई बीन में और उसके बाद हमारा पूरा फॉर्मूला क्या बन गया हैज हैव हैड ये परफेक्ट का फॉर्मूला है और इसकी जो थर्ड फॉर्म है कट जाने की वजह से हमने इन सपेरों के हाथ में क्या पकड़ा दी बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी पूरा फॉर्मूला क्या बन गया हैज हैव हैड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यस स्टूडेंट्स मैंने आपको ये फॉर्मूलाज बताए हैं इनमें एक फॉर्मूला और ऐड करना चाहूंगी जिसकी वजह से जो है आपके लिए और इजी हो जाएगा। मेरा फिफ्थ फॉर्मूला है फ्यूचर। कहीं पर भी फ्यूचर आएगा उसके लिए आपने एक फॉर्मूला लगाना है Will shall will shall ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद हो गए तो आप 12 के 12 टेंसेस को कभी नहीं भूल पाएंगे। ये स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। इनडेफिनेट का फॉर्मूला क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी परफेक्ट का फॉर्मूला has, have, had plus में verb की third form perfect continuous ये मैंने आपको अभी बहुत detail में समझाया। I think आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इन formulas को याद करते हुए आप जो है tenses को बहुत ही easily सीख जाएंगे। Yes students, thank you very much।